फॉर हैविंग मी. वेरी नाइस. बड़ी काफी नटखट हैं आप. और ड्रेसिंग सेंस से इनकी नफासत भी छलक रही है माशाल्लाह. हरा सूट ते लाल जूती को नफीस लड़की पा सकती है. एक्चुअली ना आपको देख के मैं कलर ब्राइंड हो गया हूं. ब्राइंड हो कलर ब्राइंड हो कलर ब्राइंड और टंग ट्विस्टिंग भी हो रही है. ओह या कलर ब्राइंड भी हो गया. हल्के से थत्थे भी हो गए हैं. मैंने जब भी आपको देखा मुझे लगा कि बड़ी नटखट लड़की है ये, है ना? ये आपको पहले कभी किसी ने कहा नटखट? लोग कहते हैं कि आई एम वेरी लाइवली. आई थिंक आपको लाइफ ऐसे ही एंजॉय करनी चाहिए ना. बहुत अच्छी बात है. सबसे पहले इसके लिए आप क्या बात है. लड़कियों को इतना जिंदा दिल होना चाहिए, यू नो. लड़कों को भी होना चाहिए. अंकल आंटी सबको होना चाहिए. हाँ, सबको होना चाहिए. अंकल आप क्यों नहीं होते? अच्छा मरियम, आप कैसी आई शोबिज में? मैं थिएटर प्रोडक्शंस करती थी. और वहाँ पे आपको पता है जब थिएटर हो रहा होता है तो बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी आते हैं. इस्लामाबाद में करती थी आप? कराची? इस्लामाबाद में करते थे हम. और वही अनवर मकसूद साहब के प्लेज होते हैं वो. हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तीनों जगह. आप नापा से वापस थी? नहीं. अच्छा. नहीं, दावर की प्रोडक्शन हाउस था कॉपी कैट्स. ओके ओके. जो अनवर अंकल लिखते थे. और 14 अगस्त, पौने 14 अगस्त, वो सारी जो सीरीज की होगी. ये नापा से होंगी, मैं तोला से हूँ. नापा तोला हो जाता है. तो बस उन्होंने, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स वाज देयर, वन ऑफ द डायरेक्टर्स वाज देयर. उन्होंने कहा कि आप, और उन्होंने भी मुझे ऐसे ही देखा चलते फिरते. आई वॉज रनिंग द शो, ऑपरेशन देख रही थी मैं. तो उन्होंने कहा मेरे पास आपके लिए कैरेक्टर है. मैंने कहा कैरेक्टर है मेरे, मैं तो नहीं कर सकती. तो उन्होंने कहा प्लीज आके ऑडिशन तो दे लें. जस्ट फॉर फन सेक में डिफरेंट चीजें करने का शौक था. चलो देख लेते हैं. जाके देखा, बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग. एक 12 घंटे. हाँ. बहुत हेक्टिक स्केड्यूल होता है. 6 दिन. सो आई वाज लाइक मैं तो नहीं कर सकती. उन्होंने कहा नहीं आप कर लें. फिर बीच में इत्तेफाकन वसीम अब्बास सर भी एक प्ले कर रहे थे. हाँ. उसमें एक कैमियो था जो मैंने सज्जल के साथ किया था. सो बस ऐसे करते करते फिर. तो अब तक जितने कैरेक्टर्स आपने किए, आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा कौन सा किरदार? आई थिंक जो पहला आपका चीज आपकी ऑनर जाती है, जो पहला काम आप करते हैं उससे खास वापस की तरह होता है. सो आई थिंक दियारे दिल वाज वेरी क्लोज टू मी. हमने स्कर्दू में शूट किया था. बहुत स्कर्दू के लिए तालियां. स्कर्दू के लोगों के लिए भी तालियां. खूबसूरत लोग हैं हमारे. पाकिस्तान स्कर्दू साइड के लोग बहुत प्यारे हैं, नो डाउट. और कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट मरियम ने अब तक किया जो दिल चाहता है काश ये डिलीट हो जाए यूट्यूब से? ऐसे तो बहुत सारे होंगे. क्योंकि आप जब कर रहे होते हैं आप कहते हैं हाँ चलो ठीक है, स्क्रिप्ट अच्छी लग रही है, बट जब वो प्रोडक्ट निकल गया था कहते हैं ओह माय गॉड. हकीकतन में है एक दो. एक मैंने किया था हया के दामन में. हया के दामन में? हाँ, वो एक सोप था. अच्छा. मैं नई नई इंडस्ट्री में थी, कोई है नहीं ड्रामा इंडस्ट्री में जानने वाला, तो कोई आपको बताता नहीं है ना कि ये नहीं करो ये करो. वो एक लंबा प्रोजेक्ट चले जा रहा था और वो एक बहुत टॉर्चर. तो आपने सोप क्यों लिया, फेस वॉश ले लेती? हाँ, मुझे बाद में पता चला ना. देखा. लेकिन मरियम सोप में ये तो होता है ना कि भी चलता रहता है तो पैसे वैसे तो मिलते रहते हैं. ये तो नहीं नहीं, नहीं भाई नहीं चाहिए ऐसे पैसे. मतलब इतना लंबा, आपको पता है जब आप, आई डोंट, आपकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाए तो फिर वो मजा नहीं आता. एग्जैक्टली. आपको ना एक चीज कंसिस्टेंट, हम एक्टर्स स्पेशली, हाँ, और ना द आइडिया ऑफ नए नए कैरेक्टर्स बनाना, जल्दी जल्दी शूट करें, जल्दी जल्दी रैप अप करें, फिर नए वाले पे बढ़े. मैं वैसे ही साल में एक प्रोजेक्ट करती हूँ. सो वो जब एक प्रोजेक्ट साल तक चल रहा है, मैंने कहा यार ये क्या है मजाक, खत्म करो उसको. और आपने टीवी सीरीज भी किए? लॉन के सूट तो फ्री में आते होंगे फिर. ऐसे वैसे लॉन के और गेंजा के और सिल्क के, आप नाम ले. सब फ्री में आते हैं. हम मजाक उड़ाते हैं कि भाड़े का जोड़ा है अपना छोड़ा. मरियम आप तो मैरिड, आपको पता है कि खटपट हो जाती है घरों में. तो मेरे घर पे भी लड़ाई हो रही थी, तो कोई अनस्टिच पड़ा है तो प्लीज काइंडली. हां कराची में बहुत सारे हैं, मुझे एड्रेस दे मैं आपको भिजवाती हूं. ओके. नाम मैं अपना लिखूंगी और देना अपनी बीवी को ही है. मैं इनसे बहुत ही लड़ाई हुई. नहीं, आपके मियाँ साहब जो हैं वो डायरेक्टर है ना जी, तो कभी वैसे खटपट हो जाती है क्योंकि दोनों की टाइमिंग्स और ये और वो और दोनों ग्लैमर की दुनिया में रहते हैं. बीइंग मैरिड इन द सेम इंडस्ट्री, इसके प्रोज में ये बात तो है कि आप शोहर अंडरस्टैंडिंग होता है, बीवी अंडरस्टैंडिंग होती है,
उनका दोनों को पता होता है कि दोनों को पता होता है उनका अक्सर बहुत देर देर रात तक जो है वो एडिटिंग चल रही होती है उनकी क्योंकि एडिट्स रात को होती है आपको पता है कि भाई सही जगह है क्योंकि आई एम पार्टनर विद हिम इन हिज प्रोडक्शन हाउस आल्सो तो मुझे पता है कि फुल वेरेज है ना सियानी बीवी है ना तो प्रोडक्शन हाउस का सारे हिसाब किताब मरियम नफीस के पास होते हैं जी वो कहते हैं मुझे ये सब नहीं करना आप कहती हैं मैं भी ये जाती हूँ कि तुम मत करो क्योंकि देखिए वो ना एक बहुत शाखर्स इंसान है अच्छा वो हिसाब किताब लेते ही नहीं है अच्छा, उनको अगर हमारे लाइन प्रोड्यूसर ने आके बोल दिया ना कि अमान भाई इतने पैसे खर्च हुए वो कहेंगे हाँ ठीक है इतने पैसे खर्च हुए मैं कहूंगी लाओ जरा रसीदें तो दिखाओ वेरी गुड सो ये तो दुकान वाले को भी डर जाते हैं रसीद सही है तो शाह खर्चे अमान साहब सबसे ज्यादा किस पे खर्च करते हैं वैसे वो एक जेनेरिकली बहुत शाह खर्च इंसान है वो मुझ पे भी बहुत पैसे खर्च करते हैं वो खुद पे भी सबसे बहुत सबसे ज्यादा आज तक अमान ने मरियम को कौन सा महंगा तोहफा दिया जेड़े पैसे ये ना कोलो मैंने आप ही ले लेने बड़े साइज का हीरा लग रहा है हां कोहिनूर का तो बहन भाई लग रही है डायमंड है जी हां हमारी अमान ने मुझे शादी की अंगूठी बहुत अच्छी दी मेरी पसंद की सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट कौन ज्यादा बोलता है दोनों में हम दोनों ही बहुत बोलते अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात दोनों बहुत मुझे बोलने वाले लोग इतने अच्छे लगते हैं मरियम मैं बता नहीं सकता खास तौर पे जब से हमने ये वाला यानी कि सीजन शुरू किया है ना बोलने वाले लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं कैसे चूंकि एक आर्टिस्ट है आर्टिस्ट ने कैसे आपसे आप भी आर्टिस्ट हैं आपने कैसे मोहब्बत का इजहार किया था मान से मैं कम ही करती हूँ वो ज्यादा अमूल खवातीन को ये गिला रहता है कि मर्द कम इजहार करते हैं रियली हाँ कि एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं हाँ, या नहीं आई थिंक मुझे जैसे हमारी अमान कहते हैं कि कोई 100-200 डेट्स हैं पहली दफा कब मिले पहली दफा खाने पे कब गए तो मैं वो याद रखती हूँ यानी आपने काफी खर्चा करवाया उनका तो बेचारे को पता होता है अच्छा मैंने जाके फूल लाने हैं मैंने तोहफा लाना है मैंने डिनर की रिजर्वेशन करानी है फोन कर रहे मेरी शेरवानी कब आएगी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना हर वक्त एक दूसरे को मोहब्बत का केयर का एहसास दिलाना वो हमारे एक बहुत बड़े शायर थे उन्होंने शायर थे कहते हुए दिल दुखता है क्योंकि एक दो बरस हुए उनके इंतकाल हुआ एक साल ही हुआ अमजद इस्लाम अमजद साहब आप भी जानती होंगी देखा उनकी एक नज़म है उसके टुकड़े हैं कुछ कि मोहब्बत की तबीयत में एक ऐसा बचपना कुदरत ने रखा है आगे फिर नज़म चलती फिर कहते हैं कि इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है क्या बात हर वक्त आपको ये एहसास दिलाना होता है एक दूसरे को कि हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ कि दोस्ती बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यस दोस्ती ही तो इम्पोर्टेंट है यस यू आर आपकी दोस्ती होगी आप यू विल राइड थ्रू एनीथिंग डिफिकल्टीज हो खुशी हो कुछ भी हो व्हेन द पर्सन इज योर बेस्ट फ्रेंड जो आपके साथ रह रहा है और क्या चाहिए आपको मर्द के लिए दोस्ती इम्पोर्टेंट है और औरत के लिए फरमाबरदारी अमान को मैं जो कहूँ वो करे कहूँ मैं अमान खड़े हो जाए वो खड़े हो जाए अमान बैठ जाए बैठ जाए ऐसे वो बिल्कुल भी नहीं है आप कभी बुलाइएगा उनको शो में ये देखो टिपिकल बीवी निकल